वालेकुम, मैं हूँ यासिन नमन। आप देख रहे हैं मेरा विवियस चैनल। काफी सारे क्लाइंट्स और मेंबर्स कह रहे थे कि P6 के हवाले से जो डेली थोड़ी बहुत अपडेट हम करते हैं ग्रुप में, तो हमने अभी सोचा है कि हम वीकली जो है एक समराइज रिपोर्ट बना के भी शेयर करेंगे, जिसमें जो है फिगर्स आउट होंगे जो कि आसान तरीके से लोगों को समझ आ सके। यानी कि बहुत ही मतलब टिपिकल तरीके से रिपोर्ट को नहीं बनाया जाएगा, जिसमें आपको फिगर्स के अंदर डेटा मिलेगा, जिसमें आपको खुद भी रीड करने में आसानी होगी। और आप हर वीक उस रिपोर्ट को एक 5 मिनट उसको समरी देखने के बाद आपको आइडिया होगा कि आया स्टॉक मार्केट के हवाले से जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट हैं, और उनके अंदर जो मतलब परफॉर्मेंस हुई है, चाहे वो बुलिश सेक्टर से हो चाहे बेयरिश सेक्टर से हो, हम उसको उसमें है ना कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब जो है हम इम्पोर्टेंट जो बात करेंगे पूरे वीक के अंदर, जो वीकेंड के अंदर हमने देखा कि लास्ट वीक 2300 पॉइंट जो है इंडेक्स जो है वो डिप लिया उसने, और उसके बाद जो है इंडेक्स की जो क्लोजिंग आई वो 62,944 की क्लोजिंग आई, जो कि पिछले वीक से हम देखे तो 0.1% बहुत माइनर 59 पॉइंट से डिफरेंस रहा। ठीक है, इतना मेजर फर्क नहीं रहा, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हुए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, चूंकि इसके अंदर इलेक्शन थे, इलेक्शन के दिनों के अंदर बहुत ज्यादा ही मतलब यानी कि इन्वेस्टर बहुत ज्यादा ही मैनिपुलेशन देख रहे थे। मार्केट कभी बहुत ज्यादा वॉलिटाइल हो रही थी, कभी जो है कुछ स्टॉक थे जिनके अंदर जो है रेट न्यू अपनी लोएस्ट टू लोएस्ट प्राइस बनाए हैं कुछ स्टॉक्स ने, जस्ट लाइक जैसे TPLP या बात कर लें, सबने 3 साल का लो बनाया है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स अगर डिप लेता है तो 63,944 सॉरी इसका 62,944 का इसकी क्लोजिंग है, और अगर अपने डिप लेता है तो वो 61,300 और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात की जाए तो 60,500 हमें नजर आता है। अगर ये 63,000 के अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, 63,000 के लेवल्स को अगर क्रॉस करता है और नेक्स्ट वीक के अंदर 63,400 तक अगर ये मूव करता है तो ये अपने नए लेवल्स बना सकता है जो कि 65,000 को भी जा सकते हैं। जिन स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है उसके अंदर हम सजेस्ट कर सकते हैं कि बैंक इस्लामी, हबीब बैंक लिमिटेड और अस्करी बैंक, आप इनको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अस्करी बैंक जो है वो आपको 22 रुपए के लेवल पे लेना चाहिए। BIPL और HBL जो है वो आप करंट लेवल पे ले सकते हैं। अगर हम ENP के सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर OGDC और PPL हमें अच्छा लगता है, उसको इन लेवल्स पे एक्युमुलेट करना चाहिए, आपको उसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए, और ये अच्छे डिविडेंड स्टॉक्स भी हैं। इसी की तरह एक अगर हम गैस सेक्टर में बात करें तो सुई नॉर्दर्न जो है हमें इस वक्त नजर आ रहा है, जिसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और अच्छे डिविडेंड वाले स्टॉक में जा सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करें एंग्रो और EPCL भी एक एंग्रो कंपनी की एक पेरेंट कंपनी है, एंग्रो बड़ा ग्रुप है उसका, और उसकी जो दूसरी चाइल्ड कंपनी है एंग्रो EPCL, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल, उसके अंदर भी आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और डिविडेंड के एतबार से एंग्रो पॉलीमर स्पेशली जो है वो टॉप 3 डिविडेंड यील्ड में आता है। यानी कि अगर आप पिछले 1 साल की अगर आप रिटर्न देखेंगे तो तीसरे नंबर पे उसका नंबर आता है, और परफॉर्मेंस अपनी सबसे ज्यादा है। तकरीबन वो 30% जो है अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न डिविडेंड यील्ड के मुताबिक दे सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें ऑयल सेक्टर के अंदर तो PSO स्पेशली आपको इस वक्त काफी नजर आ रहा होगा, इसकी 15 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, इसके अंदर जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसके अंदर आपकी ट्रेडिंग की भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, और 180 रुपए के लेवल तक आप इसको प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं इन दिनों गुज़िश्ता 1 वीक में। पावर सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर के इलेक्ट्रिक और हबको पावर जो है मुझे अच्छा लगता है, जिसके अंदर आपको इस लेवल पे लेना चाहिए, और ट्रेडिंग के एतबार से जो है आपको दोनों के अंदर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और डिविडेंड के अंदर आपको पावर आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह रिफाइनरीज वाला हम बात करें तो हमें PRL जो है इस वक्त बहुत अच्छा लगता है, जिसमें आपको PRL के अंदर आपको एंट्री लेनी चाहिए, और उसके अंदर गुज़िश्ता 1 वीक पहले हमने अपने तमाम जो मेंबर्स हैं और जो हमारे कॉन्टेक्ट के जो फ्रेंड्स हैं हमने उनको बताया था कि 24 रुपये 70 पैसे पे एंट्री लेनी थी, और उन दिनों ही उनका रिजल्ट था, 10 रुपये अर्निंग आई थी हाफ ईयरली, और उसी का इम्पैक्ट सेम डे पड़ा था कि 24 रुपये 70 पैसे पे जिन्होंने एंट्री ली थी वो एग्जैक्ट वो 25 से 26 रुपये तक मूव हमने उसको टारगेट बताया था, बट बाई चांस वो 26 रुपये 70 पैसे की एवरेज पे भी लोगों ने उसको प्रॉफिट टेकिंग की। जिन्होंने मजीद होल्डिंग रखी थी, हाफ क्वान्टिटी शेयर अपनी बेची थी, तो हाफ क्वांटिटी उनको हमने दूसरा लेवल दिया था 27 रुपये 30 पैसे, उन्होंने उस पर भी प्रॉफिट टेकिंग की और उससे भी ज्यादा नए एक तीसरे रेजिस्टेंस पे जाके PRL हिट हो गया। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी बाजार आपको देती रहेगी। ठीक है,
अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और हम आपको इम्पोर्टेंट जो फिगर्स हैं उनके ऊपर बात करें। इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स पे एक नज़र हम डालेंगे। तो इसमें केसी 100 इंडेक्स पे हम देखें 62,944 की क्लोजिंग आई पिछले वीक से, इसमें 59 पॉइंट जो है इसमें कमी आई। अगर हम डॉलर की प्राइस देखें तो 279.30 की क्लोजिंग आई एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक, इसमें 10 पैसे की कमी हुई। रिजर्व फंड हम देखें तो इसमें मेंटेन रहा और इन अ परसेंट 2.5% जो है इसमें कमी आई। कॉटन के अंदर हम देखें तो 500 रुपये का इजाफा हुआ एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक और क्लोजिंग जो है 20,500 रुपये इसमें आई। जोमेटो के अंदर अगर हम पर बैग की बात करें तो वो 1,210 रुपये जो कि अनचेंज है। गोल्ड की कीमतों में हम देखें तो 707 रुपये की कमी हुई पिछले वीक से इस वीक, यानी कि 0.4% की कमी हुई। कोयले की कीमतों में हम देखें तो पिछले वीक से इस वीक 1.1% अनचेंज रहा। और USD मिलियन टन जो है 92.5 की क्लोजिंग हुई इन अ डॉलर। अगर हम स्टील की बात करें तो USD टन के अंदर 561.5 का फिगर क्लोजिंग हुई और इन अ परसेंट 0.6% इसमें कमी हुई। गोल्ड की अगर हम बात करें तो 1% की कमी हुई और USD ऑन्स 2,035 रुपये और 40 सेंट से इसका, सॉरी 2,035 डॉलर और 40 सेंट से इसकी क्लोजिंग आई। अगर हम क्रूड ऑयल ब्रेंट की बात करें तो 79.20 की इसमें USD पर बैरल की क्लोजिंग आई जो पिछले वीक से 0.6% का इजाफा हुआ। काइबोर रेट की अगर हम 6 महीने की बात करें तो वो 0.7% का डिफरेंस है। पॉलिसी रेट मेंटेन है लास्ट वीक से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर हम देखें हेडलाइन का तो 0.0% है। अगर हम लोकल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर एक नज़र डालें तो लिपी लोकल यानी नॉर्मल जो इसका डेटा है उसके अंदर इंडिविजुअल के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग हुई और म्यूचुअल फंड ने जो है वो ज़्यादा सेलिंग की। एज़ कम्पेयर टू अगर हम इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स को देखें तो सेक्टर वाइज जो है इसके अंदर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्ट ने सबसे ज़्यादा इसमें सेलिंग की गई। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक नज़र डालते हैं बुलिश सेक्टर्स के अंदर तो वहाँ पे टॉप 5 बुलिश सेक्टर के अंदर हमारे पास जो स्टॉक जो सेक्टर्स हैं पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मिसलिनियस कमर्शियल बैंक, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, पेपर एंड बोर्ड। ये 5 सेक्टर जो है इन्होंने मिलकर 144 पॉइंट का इंडेक्स में इजाफे की कंट्रीब्यूशन की। बेरिश के अंदर अगर हम देखें फर्टिलाइजर सेक्टर, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर, ऑयल गैस मार्केटिंग कंपनीज, टेक्सटाइल कंपोजिट, और ये 5 सेक्टर्स की अगर हम देखें तो इसकी नेगेटिव कंपोजिशन है, यानी कि इन्होंने स्टॉक के इंडेक्स को बेयरिश के अंदर सपोर्ट किया इनकी वजह से, तो 157.80 की इसमें कंट्रीब्यूशन रही। टॉप 5 गेनर स्टॉक की हम देखें तो उसके अंदर PSEL, KTML, यूसुफ विविंग, IVFL और एबर्ट, ये 5 स्टॉक हैं जिन्होंने गेन किया। लूज़र के अंदर हम देखें तो PGLC, AGP, NAFT, APL और FABL यानी फिसल बैंक, इन्होंने जो है अपना परफॉर्म किया लूज़र के अंदर, ये लूज हुए। टॉप वॉल्यूम लीडर के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर टॉप वॉल्यूम में के इलेक्ट्रिक, PIA, OGDC, PRL और PPL ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया। इसके साथ साथ हम एक नज़र देखते हैं बुलिश कंट्रीब्यूशन के अंदर तो यहाँ पे हबको पावर, PSEL, PPL, बैंक अल अबीब और लक्की सीमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन किया। इस तरह हम बेयरिश कंट्रीब्यूशन में भी देखते हैं इस वीक तो जिस कंपनी ने किया उसमें एंग्रो आता है, OGDC आता है, सिस्टम लिमिटेड आता है, HBL आता है और APL आता है, यानी कि इन 5 स्टॉक ने जो है नेगेटिव अपने इंडेक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन किया।